हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम मिश्रा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी, क्योंकि मैं 4 दिन से जो है वो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी था, इस वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही थी। बट अब से जो है वो रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। और जो आज मैं आप सबके लिए अपडेट लाया हूँ वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बिग बैश लीग जो उनकी होती है मेंस की और वुमेंस बिग बैश लीग, दोनों का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है आज सुबह। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ मेंस बिग बैश लीग की, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि मेंस बिग बैश लीग 3 दिसंबर से स्टार्ट होगी और ये 6 फरवरी तक चलेगी। तो अगर मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये करीब 2 महीने से भी ऊपर ये लीग चलेगी। और इस लीग में हमें टोटल 61 मैचेस देखने को मिलेंगे। और याद रखिए कि 3 दिसंबर को इस लीग का पहला मैच खेला जाएगा। ये वही तारीख है जब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा। तो ये दोनों जो है वो तारीखें क्लैश कर रही हैं। तो 3 दिसंबर को इस लीग का पहला मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच। बाकी इस लीग का पूरा कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पे है, आप पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें वुमेंस बिग बैश लीग की, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वुमेंस बिग बैश लीग जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 29 नवंबर तक चलेगी। यानी कि ये लीग भी ऑलमोस्ट जो है, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने ये लीग चलेगी। दोस्तों, इस लीग का ओपनिंग मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है वुमेंस बिग बैश लीग की, वो खेलेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ। दोनों ही लीग्स, चाहे फिर वो मेंस बिग बैश लीग हो या फिर वुमेंस बिग बैश लीग हो, दोनों लीग्स के नॉकआउट मुकाबले के वेन्यूज जो हैं वो अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बताए हैं, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि वो आगे चलकर ये वेन्यूज डिसाइड करेंगे। दोस्तों, बिग बैश लीग के जो हेड हैं एलेस्टर डॉब्सन, उन्होंने बताया है कि मेंस बिग बैश लीग और वुमेंस बिग बैश लीग का जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया है वो कोई फाइनल शेड्यूल नहीं है और इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पर भी सिचुएशन ख़राब है, खासतौर पर मेलबर्न और सिडनी में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो इस शेड्यूल में चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए ये फाइनल शेड्यूल नहीं है। क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और सीधी सी बात है उन्होंने कोरोना वायरस की तरफ भी उनका इशारा था, तो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये जो फाइनल शेड्यूल नहीं है और इसमें जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के इतना बड़े चैलेंज के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम दोनों लीग्स का सफलतापूर्वक आयोजन ऑस्ट्रेलिया में करवा पाएंगे और दोनों लीग्स का जो है वो आनंद दर्शक बहुत अच्छे से ले पाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो और ये अपडेट जो मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लगातार पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।